तो हे दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हो टेक रोशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 क्या है और इससे जो है आने वाले दिनों में क्या फर्क पड़ेगा यूट्यूब पे, आज जो है इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे बिना स्किप किए हुए पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि जो है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 13 जो है काफी डेंजरस है और इसके आने से जो है 80-90% चैनल जो है यूट्यूब से गायब हो जाएगा, यानी जो है यूट्यूब से डिलीट कर देगा। हालांकि पहले कभी भी मतलब हम लोग किसी का वीडियो या कॉपीराइट कंटेंट या तो इमेज जो भी है हम लोग उठाते थे तो हमें क्या आता था, क्लेम आता था या तो हमें स्ट्राइक आता था। क्लेम आने से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो है स्ट्राइक आने से हमें 3 महीने का झेलना पड़ता था। लेकिन अभी जो वैसा नहीं होगा, अगर हम उनका मतलब कुछ कॉपीराइट कुछ यूज करते तो या तो शायद वो वीडियो अपलोड नहीं होगा या तो फिर जो है अगर अपलोड हो भी गया तो शायद डायरेक्ट जो है डिलीट हो जाएगा। इस तरह से जो है ये जो है न्यू आर्टिकल 13 जो है लागू होगा और ये जो है अभी इंडिया में जो है यूरोपियन कॉपीराइट लॉ जो है यूट्यूब इंडिया को जो है स्ट्राइक दिया है। हालांकि यूट्यूब हमें स्ट्राइक देता था, लेकिन अभी जो है यूट्यूब को ही जो है स्ट्राइक मिला है। तो इन्हें जो है 15 दिसंबर तक टाइम दिया है और ये जो है शायद मेरे ख्याल से मतलब सॉल्व हो जाना चाहिए प्रॉब्लम, और हो सके तो शायद जो है कंप्रोमाइज करेगा यूरोपियन कॉपीराइट लॉ और जो है यूट्यूब इंडिया इसके बीच में, क्योंकि इतने सारे अगर पूरा पॉलिसी अगर लगा दिया जाए तो 80-90% जो है चैनल जो है डिलीट हो सकता है। ये जो है यूट्यूब जो है पूरा वर्ल्ड वाइड, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी लोग जो है वीडियो अपलोड करते हैं और देखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ना यूट्यूब का जो है काफी ज्यादा जो है बिजनेस लो हो सकता है, यानी जो भी है बिजनेस वो डाउन हो सकता है और इसमें जो है काफी क्रिएटर का भी बहुत ही नुकसान हो सकता है। हालांकि यूट्यूब भी जो है इसके बारे में जो है कुछ ना कुछ तो जरूर कुछ करेगा ही, और जो भी है आने वाले 15 दिसंबर तक हम लोग को पता चलेगा कि क्या हो सकता है। और इस जो है आर्टिकल 13 के आने से ये सिर्फ जो है मेरा चैनल या आपका चैनल नहीं, किसी का भी चैनल डिलीट हो सकता है। इसमें कई सारे बड़े बड़े चैनल भी जो है आ सकते हैं, जैसे आप जो है 10 मिलियन या 20 मिलियन कई सारे चैनल, क्योंकि कोई भी बड़े चैनल भी जो भी गए हैं वो सब जो है छोटे ब्रांड का मतलब जो भी ब्रांड का नाम लेके या तो कुछ लेके आगे बढ़ के, अगर मान लो टेक चैनल का, तो टेक चैनल का भी जो है प्रोडक्ट हम लोग जो रिव्यू करते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं तो कितने मतलब 95% जो है हम लोग बिना परमिशन का करते हैं, तो शायद हो सकता है ओलो का भी चैनल जो है डिलीट हो सकता है यूट्यूब से। तो ये जो है आर्टिकल 13 जो है काफी ज्यादा जो है खतरनाक है और इसके अंदर जो आएगा डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो हो सकता है आने वाले जो दिनों में जो है कुछ ना कुछ तो यूट्यूब जरूर करेगा ताकि जो है वो भी सेफ रहे और सारे क्रिएटर भी सेफ रहे। आर्टिकल 13 अगर लागू कर दिया जाए तो काफी ज्यादा जो है चैनल डिलीट हो सकता है यूट्यूब से। और आप नए क्रिएटर हो तो आर्टिकल 13 को जरूर फॉलो करना और जो है आगे बढ़ना ताकि जो है फ्यूचर में आपका जो है चैनल बचा रहे। हालांकि अभी यूट्यूब इंडिया को ही स्ट्राइक मिला हुआ है, यूट्यूब हमें स्ट्राइक देता रहा लेकिन अभी जो है यूट्यूब इंडिया को ही स्ट्राइक मिला हुआ है। तो अभी जो है यूट्यूब इंडिया के पास में 15 दिसंबर तक का समय है, यूट्यूब इंडिया क्या डिसीजन लेता है या अभी यूट्यूब जो क्रिएटर जो सपोर्ट है वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हमें जो है रीजन मिलता है और क्या होता है यूट्यूब इंडिया का। हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के नए नए इंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं और हो सके तो जितने भी यूट्यूब क्रिएटर बंदे हैं उस सब भी बंदे को जो है आप शेयर करो। बस इस शेयर करके सभी लोग को जो है एक्टिव कर दो ताकि जो है आगे से ही अलर्ट है। इसी तरह के जो है नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो है बेल आइकन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो है आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ खास अपडेट लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।